वेलकम टू टोटल टेस्ट निस्कीज किचन। आज हम बनाते हैं बेहद स्वादिष्ट हरे धनिए की चटनी। हरे धनिए की चटनी बनाने के लिए हमने दो छोटे प्याज, लहसुन की कुछ कलियाँ, टमाटर और हरा धनिया ले लिया है। हरे धनिए के पत्ते अच्छी तरह साफ़ करके और उनको धो लें। और अब हमने एक मिक्सी का जार ले लिया है और अब हम इसमें अपना प्याज लंबा काट कर डालेंगे। प्याज को थोड़े बारीक बारीक पीसेस में काट कर डालें ताकि आपकी चटनी का फाइन पेस्ट बनकर तैयार हो। और अब हमने कुछ लहसुन की कलियाँ डाल दी हैं और ये कटा हुआ टमाटर डाल दिया है। टमाटर से चटनी का थोड़ा खट्टा टेस्ट आता है जो खाने में और भी स्वादिष्ट लगती है। और अब हम इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर देंगे और इसका एक फ़ाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये देखिए, हमारी चटनी का एक फ़ाइन पेस्ट तैयार हो गया है। अब हम इसमें अपने हरे धनिए की पत्तियाँ डालेंगे। अब हमने इसमें हरे धनिए की पत्तियाँ डालनी हैं और इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे। 2 से 3 चम्मच ही पानी डालना है ताकि आपका हरा धनिया अच्छी तरह पिस जाए। और अब हम इसको भी अच्छी तरह ग्राइंड कर देंगे। और ये देखिए, हमारा पेस्ट तैयार हो गया है। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक और थोड़ी लाल मिर्च डाल देंगे। आप लाल मिर्च की जगह हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। मैंने थोड़ा इसमें कलर लाने के लिए लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है। और अब 2 से 3 चम्मच पानी डाल देंगे और फिर इसको ग्राइंड कर लेंगे। इसको ग्राइंड करने के बाद ये देखिए, हमारा कितना अच्छा फाइन पेस्ट बनकर तैयार हुआ है। और यह बहुत ही खाने में स्वादिष्ट लगती है और आप इसको पराठे, रोटी, इडली और डोसे के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और ये देखिए कितना सुंदर लग रही है। और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा लें। थैंक यू।